नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2022 के 25 सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइंस को देखेंगे। दोस्तों, ये सभी हेडलाइंस आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप पूरे इंतमाम के साथ सुनिएगा और आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडलाइंस है कि आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2022 में 8 से 8.5% की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान। ये 1 फरवरी 2022 के लिए। भारत के जाने माने हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को वर्ष 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हैदराबाद में राष्ट्र को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समर्पित करेंगे। ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना को 100 साल पूरे। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी घटना। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ घोषित की गई। सैन्य बलों में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दस्ते को प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के 4थे चरण का शुभारंभ किया। महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती का निधन। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया। इस्माइल योजना का नई दिल्ली में शुभारंभ। केंद्र की इस योजना से ट्रांसजेंडर और भिखारियों का भी कल्याण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएसएलवी के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 सहित 3 उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 6 लाख गांवों का मानचित्रण किया जाएगा। सरकार पीएम गत शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 23 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगी। सोनोवाल ने मुंबई में पहली वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े जैव सीएनजी संयंत्र का शुभारंभ किया। ब्राजील के पेट्रोपोलिस शहर में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 171 लोगों की मौत। भारत के 16 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने शतरंज के विश्व चैंपियन नॉर्वे के कार्लसन को एयर थिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट के 8वें राउंड में हराया। आज से शिलंग में विज्ञान महोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की शुरुआत हुई। साहित्य अकादमी ने कवि चंद्रभान ख्याल को ताजा हवा की ताबिशे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की। राजस्थान में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 आज से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को वापस लाने के लिए विमान रवाना। तो ये 25 सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइंस थे फरवरी माह के। इसी प्रकार मार्च माह के हेडलाइंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।